हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो कैसे अपलोड। तो गाइस, आज का जो हमारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है धनबाद टू हटिया, और आज हम सफ़र करने वाले हैं भुवनेश्वर स्पेशल फेयर स्पेशल से। कौन सा ट्रेन है पता नहीं, मैंने इस ट्रेन में एक बार भी ट्रेवल अभी तक नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और आज हम जर्नी कर रहे जनरल से। वैसे तो हम जितना भी जर्नी करते हैं सब जनरल से ही करते हैं, लेकिन आज का जो जर्नी है ना इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितना भी जनरल का कोच है ना, जनरल का जितना भी सीट है सब खाली है। ट्रेन के आगे में दो डब्बा है, दो कोच है, दोनों खाली है। ट्रेन के पीछे में दो कोच है जनरल का, दोनों खाली है। तो चलो आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करो और बने रहो ब्लॉग पे, और देखते क्या होता है नहीं होता। और इस ट्रेन का दो खासियत हमको, मतलब एक खासियत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये सिर्फ तीन ही जगह रुकेगी हटिया जाने पर। पहला हो गया बोकारो स्टील सिटी, दूसरा हो गया मोरी जंक्शन, तीसरा हो गया रांची, और चौथे नंबर में ये हमारी जो ट्रेन है ये हटिया पहुंचा देगी। तो चलो हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग ब्लॉग को देख के एंजॉय करो, तो बने रहो ब्लॉग पे। तो चलो, तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन से बाहर, और हमारी जो ट्रेन है पूरा पूरी एकदम 4 बजे खुलने वाली है। एक मिनट इधर ना पीछे, आगे ना पीछे, सीधा के सीधा 4 बजे खुलने वाली है। तो चलो, हर ब्लॉग की तरह मैं इस ब्लॉग में भी आपको दिखाता हूँ जनरल कोच का जो वॉशरूम वगैरह होता है वो कैसा होता है। चलो सबसे पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद दिखाता है कैसा है नहीं। तो ये गाइस फर्स्ट रहा, यहाँ पर पानी आ रहा है। और एक बात और बोलना चाहूँ कि इसमें लाइन भी है गाइस अभी, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी गाड़ी बंद रहता तो लाइट नहीं आता, बट इसमें पहले से ही लाइट है। और अभी वॉशरूम के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर ऊपर में फ्लैश लाइट जल रहा है। और जनरल के हिसाब से तो काफी साफ सफाई है, इसका मिरर भी अच्छा ही लग रहा है। तो चलो अभी चलते हैं, सीधा अपने सीट पे बैठते हैं। ये वाला मेरा सीट है, यहाँ पर अपना बैग रख दिए, और यहाँ पर चार्जिंग करने के लिए चार्जर सॉकेट दिया ही है। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहो और चलो जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो गाइस अब जो हमारी ट्रेन है भुवनेश्वर एक्सप्रेस बोलो या स्पेशल जो भी बोलो, तो ये ट्रेन हॉर्न दे चुकी है और ट्रेन खुल चुकी है। तो चलो अभी सीधा मिलते हैं बोकारो स्टील सिटी में, उससे पहले अपने सीट पे बैठ जाते, नहीं तो पता चला कोई और बैठ जाएगा, क्योंकि जनरल डब्बा है। तो गाइस अब सफ़र का आनंद लेते हुए हम लोग चलते हैं सीधा बोकारो स्टील सिटी, उसके बाद मोरी जंक्शन, फिर रांची, फिर हटिया। तो आप लोग ब्लॉग को इंजॉय करो और हम जर्नी को इंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी भूख लग चुका है और मम्मी दी थी पकवान बना के कुछ, तो चलो अभी सीधा पकवान को निकालते हैं और खाते हैं। तो गाइस अब जो है पकवान निकाल लिए इधर, चलो इसको खाते हैं अभी निकालते हैं। तो गाइस मैं तो पकवान खाते खाते जर्नी का एंजॉय लेता हूँ, और आप लोग ब्लॉग देख के एंजॉय करो। तो चलो सीधा अभी पकवान खाते हैं और मिलते हैं बोकारो स्टील सिटी में। तो गाइस अब जो हमारी ट्रेन है वो जंगल में रुक चुकी है, आगे सिग्नल नहीं मिल रहा, देख सकते हो पूरा का पूरा घना जंगल में ट्रेन रुका है। तो चलो जैसे ही सिग्नल मिलता उसके बाद ट्रेन चालू होता, फिर से ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जो अब हमारी जो ट्रेन है वो बोकारो स्टील सिटी आ चुकी है, और जनरल में चढ़ने के लिए कचकचा के इधर भीड़ लगा पड़ा है, देख सकते हो सब जनरल में चढ़ने के लिए। फिलहाल तो हम बैठ जाते हैं अपने सीट पे, पता चला मेरा सीट पे कोई और बैठ जाए। सो गाइस अब मैं जो अपने सीट पे बैठ चुका हूँ और ट्रेन भी खुल चुका, तो चलो अभी सीधा मिलते हैं मोरी जंक्शन में।
तो गाइस सीधा अभी बोकारो स्टील सिटी से मुरी जंक्शन आ चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। तो चलो जैसे ही ट्रेन खुलती है उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ट है। तो गाइस ट्रेन हॉर्न दे चुकी है और ट्रेन खुल भी चुका है, तो चलते सीधा सीट पर बैठते हैं, मिलते सीधा रांची में। सो गाइस अभी मुरी जंक्शन से सीधा रांची जंक्शन आ चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट का होल्ट है। यहाँ पर टाइम था 7:50 में, तो निर्धारित समय पर ट्रेन आ चुकी है रांची में और 8:15 में पहुँचाने का टाइम है हटिया। तो चलो अभी सीधा हटिया चलते हैं और हटिया चलने से पहले अभी ट्रेन खुलने का वेट करते हैं, तो 10 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेन खुलती है। तो जैसे ही ट्रेन खुलती है उसके बाद फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब ट्रेन खुल चुकी है रांची से, चलो अभी सीधा मिलते हैं हटिया में। और रांची का थोड़ा सा पीछे का आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो नवरात्रि का बहुत बड़ा पंडाल बना है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पर मेघा प्रोजेक्ट भी शायद से हमको लग रहा 2024 होते हुए थे, 2024 के एंड होते होते रांची में मेघा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलो अभी सीधा चलते हैं हटिया। और गाइस एक प्रॉब्लम और हो रही है कि अभी हॉस्टल पहुंचने के बाद मेन गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा उसका आता पता नहीं, क्योंकि सर को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, सिर्फ भैया को बताए थे कि हम आ रहे हैं गेट खोल दीजिएगा। तो देखते हैं अभी सर को कॉल करते हैं, सर क्या बोलते हैं, गेट खुलेगा तो सही है, नहीं खुलेगा तो फिर कोशिश करेंगे खुलवाने का। तो चलो अभी चलते हैं सीधा हटिया में मिलते हैं। तो गाइस अभी सीधा आ चुके हैं हटिया, अब हटिया रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, चलो अभी सीधा चलते हैं बाहर, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी सीधा आ चुके हैं स्टेशन से बाहर और चलो चलते हैं अभी सीधा हॉस्टल। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट करो। चलो मिलते हैं कल हॉस्टल वाले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महाकाल।